डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोगों ने साइंस में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो एक बायोलॉजी का चैप्टर है, उस बायोलॉजी के चैप्टर को हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। लेकिन एनसीईआरटी के बुक से चूंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं चीजों को, तो उसके पीछे की जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहता है, उसमें हम लोगों ने दो क्वेश्चन को फुली कंप्लीटली किया था। और मुझे याद है कि जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को भी मैंने बोलकर नोट डाउन करवा दिया था, बोल दिया था, आप उसको लिखे भी होंगे। चलिए उस क्वेश्चन का आंसर नोट करते हैं और फिर उस आंसर को हम लोग समझेंगे क्वेश्चन के साथ कि क्या बोल रहा था। तो क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, चलिए आइए देखते हैं आंसर। लिखा जाए, इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज रप्चर्ड का स्पेलिंग RUPTURED, रप्चर्ड का मतलब खत्म हो जाना, टूट जाना, रप्चर्ड, देन द सेल विल डाई फुल स्टॉप। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन regulates the movement of substance in and out of the cell by diffusion or osmosis, thus if the plasma membrane is ruptured, if the plasma membrane is ruptured, then the cell might leak out its contents. The cell might leak out its contents. चलिए सवाल क्या था वो जरा समझिए। सवाल था थर्ड नंबर, what would happen if the plasma membrane ruptured or breakdown, यानी कि क्या होगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, फट जाएगा, तब क्या होगा। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाए, टूट जाए, उसका ब्रेकडाउन हो जाए, तब होता क्या है, तब वो सेल मर जाता है, डाई हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिखिएगा
when the plasma membrane is ruptured or a breakdown, then the cell will die. ठीक है, और फिर जब सेल डाई हो जाता है, मर जाता है, तब उसका क्या होता है? तो डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस की क्रिया के दौरान हमारे शरीर से एक्सक्रिएशन हो जाता है, क्योंकि यानी कि जो भी सेल डेड हो जाता है, मर जाता है, किसके वजह से? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रैक्चर हो गया, रिप्चर हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो सेल क्या हो गया? डाई हो गया, सेल मर गया. और जब सेल मर गया तो हमारे अंदर, सेल के अंदर, ये बोल सकते हैं सेल के अंदर ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, डिफ्यूजन की क्रिया होती है, और उस क्रिया के दौरान वो जो सेल डाई किया हुआ रहता है वो आउट हो जाता है. ठीक है, तो कुल मिलाकर सवाल यही बोल रहा था कि क्या होगा जब किसी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो क्या होगा. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 लिखा जाए. क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल if there was no Golgi apparatus. ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है? What would happen to the life of cell there was no Golgi apparatus. यानी बोला जा रहा है कि उस सेल का क्या होगा जिसका Golgi apparatus होता ही नहीं है. यानी उस सेल के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या होगा जब कोई सेल का Golgi apparatus होगा ही नहीं. तो जब किसी भी सेल का Golgi apparatus नहीं होगा तब आप क्या कह सकते हैं, आप क्या सुझाव देंगे, आप क्या बात बताएंगे. ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे. आंसर, द मेटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ER भी बोल सकते हैं, आर अस्टोर्ड का मतलब इकट्ठा करना, STORED, अस्टोर्ड कॉमा modified and packaged packaged to various 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 target inside and outside the cell through the Golgi apparatus the Golgi apparatus is also involved
द गोल्जी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल विच विल नॉट बी पॉसिबल इफ गॉल्जी अपरेटस इज नो देयर चलिए तो सवाल क्या बोल रहा था जरा देखिए, सवाल बोल रहा था कि क्या होगा जब किसी सेल में गॉल्जी अपरेटस नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना कि गॉल्जी अपरेटस में ईआर होता है जो सिंथेसाइज्ड करता है कोई भी मटेरियल को स्टोर करने के लिए, पैकेज करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि गॉल्जी अपरेटस का काम क्या है, तो किसी भी मटेरियल को सिंथेसाइज करना, स्टोर करना, फिर बोले तो पैकेजिंग करना, राइट। तो ये सब सारी जो चीजें हैं वो नहीं हो सकती है अगर गॉल्जी अपरेटस नहीं रहेगा। तो एक और हम चीज देख सकते हैं कि गॉल्जी अपरेटस का मेन वर्क ये भी है कि सेल का फॉर्मेशन करना, सेल का निर्माण करना, सेल को बनाना। तो दोस्त अगर गॉल्जी अपरेटस नहीं रहेगा तो सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, मटेरियल स्टोर नहीं हो पाएगी, मटेरियल पैकेज नहीं हो पाएगी। तो हम लोग यही सारी चीजों को लिखे हैं कि गॉल्जी अपरेटस का ये सब मुख्य कार्य है। अगर ये नहीं पाया जाएगा किसी भी सेल में तो ये सब सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यानी कि गॉल्जी अपरेटस का यहाँ पे दिखाया गया है कि उसमें ईआर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम क्या है, तो किसी भी मटेरियल को स्टोर करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, पैकेज्ड करते हैं। और इसके साथ साथ गॉल्जी अपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व्स हम लोग और कहां मदद करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का फॉर्मेशन करने में। तो अगर ये चीज नहीं रहेगा तो ये सब सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन था 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा जाए, पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर हम उसको समझाकर आंसर नोट डाउन कराएंगे। लिखा जाए 5वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल फिर क्वेश्चन मार्क्स व्हाई देकर भी क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे, तो सवाल ये बोला जा रहा है कि और ऑर्गेनल्स को, किस ऑर्गेनल्स को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना कि पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, को पावर हाउस कहा जाता है। तो लिखा जाए इसका आंसर, अच्छा ये भी बोल रहा है कि क्यों कहा जाता है, तो आंसर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल फुल स्टॉप
इट इज सो बिकॉज इट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक लिखा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन फुल स्टॉप. इट आल्सो प्रोड्यूस्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो बोला गया कि सवाल क्या था, बोला था कि किस ऑर्गेनल्स को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. तो पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को. क्यों कहा जाता है कि यह एयरोबिक रेस्पिरेशन को के प्रोसेस को अप्लाई करता है या फिर इसमें हेल्प करता है, देन हम इसको बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस. पावर हाउस का मतलब कि एक स्टोरिंग का काम करता है सेल में, तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा जाए. क्वेश्चन, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स constituting का स्पेलिंग constituting constituting the cell membrane get synthesized. बोल रहा है कि लिपिड एंड प्रोटीन कहां सिंथेसाइज्ड होते हैं. तो हम लोग पढ़े हैं ईआर के बारे में, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, कि ये काम करता है लिपिड एंड प्रोटीन को सिंथेसाइज्ड करने में. ठीक है, तो आंसर लिखा जाए इसका, वन वर्ड आंसर होगा, तो इसका आंसर लिख दिया जाए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ब्रैकेट में आप ईआर भी लिख सकते हैं, यही हो जाएगा आंसर. सवाल सिर्फ बोल रहा था कि कहां पे, वेयर लिपिड एंड प्रोटीन्स का सिंथेसाइज्ड होता है. आंसर कर देंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ईआर. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज एन अमीबा. अमीबा का स्पेलिंग हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड. मतलब ये हुआ कि अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, जिसमें वन सेल होते हैं वो क्या है, अमीबा. बोला गया कि अमीबा जो है अपना भोजन कैसे बनाता है. अमीबा चूंकि यूनिसेलुलर है ना, तो ये यूनिसेलुलर है तो ये अपना भोजन कैसे बनाता है, किसके बारे में बोला जा रहा है, तो
अमीबा के बारे में। लिखा जाए इसका आंसर। आंसर हम लोग देखते हैं कि अमीबा जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं। आंसर लिखा जाए फिर समझेंगे। अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस फुल स्टॉप। इट हैज फ्लैक्सिबल सेल मेम्ब्रेन। फ्लैक्सिबल का मतलब होता है लचीला। फ्लैक्सिबल सेल मेम्ब्रेन फुल स्टॉप। इट इनगल्फ्स द फूड पार्टिकल। इट इनगल्फ्स द इनगल्फ इनगल्फ द फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया बताते हैं क्या है। विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया एंड देन फॉर्म्स अ व्हीकल अराउंड इट फुल स्टॉप। व्हेन द पार्टिकल इज completely trapped the amoeba secretes digestive enzyme that digests the food। तो सबसे पहला बात कि अमीबा अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि अमीबा जो है अपना भोजन इंडोसाइटोसिस के माध्यम से बनाते हैं। इंडोसाइटोसिस ठीक है। तो साइटोसिस तो अमीबा जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो किस प्रोसेस से बनाते हैं। इंडोसाइटोसिस के वजह से। अब इसके बाद अगर हम लोग ये भी लिखे हैं कि जो अमीबा का सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो लचीला होते हैं मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं और वो अपने इनगल्फ्स के द्वारा किसी भी फूड को कैप्चर्ड कर लेते हैं और वो कैप्चर्ड करके अपने अंदर ले लेते हैं और उनमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम क्रिएट होता है और वह डाइजेस्टिव एंजाइम जो क्रिएट होता है उसका यूज करके जो अपने भोजन को कैप्चर्ड किए हुए रहते हैं अमीबा फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर सवाल ये बोल रहा था कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो आंसर हम लोग लिखते कि अमीबा जो है अपना फूड इंडोसाइटोसिस के माध्यम से प्रोसेस से बनाते हैं जिसका सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं। इस अमीबा में इनगल्फ्स होते हैं और उस इनगल्फ्स के माध्यम से भोजन जो बनाते हैं उसको सूडोपोडिया बोला जाता है। सूडोपोडिया का मतलब एक काल्पनिक सोचा हुआ चीज ठीक है। तो इनगल्फ्स के दौरान किसी भी फूड को कैप्चर कर लेते हैं और उसमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम क्रिएट होता है और उसी डाइजेस्टिव एंजाइम को के दो यूज करके और वो अमीबा अपने भोजन को डाइजेस्ट करता है पचाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम लोग जानते हैं ना, ऑस्मोसिस में क्या होता है, तो कोई भी एक लिक्विड यानी कि वाटर अगर बिल्कुल ही मेम्ब्रेन के आर पार चला जाए, यानी कि एक बहुत ही थिन लेयर मेम्ब्रेन होता है जिसके द्वारा पास करता है वाटर का मॉलिक्यूल्स, या वह मॉलिक्यूल्स वह सॉल्यूशन जो थिन लेयर मेम्ब्रेन के को क्रॉस कर जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कि ऑस्मोसिस क्या है, तो वह सॉल्यूशन है जो किसी थिन लेयर मेम्ब्रेन के क्रॉस आउट हो जाए। तो इसका आंसर लिखा जाए, द ग्रेजुअल पासिंग ऑफ अ लिक्विड, द ग्रेजुअल पासिंग ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ थिन लेयर मेम्ब्रेन, थ्रू अ थिन लेयर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड ऑस्मोसिस, आर कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो दोस्तों ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि यह एक थिन लेयर होता है मेम्ब्रेन जिसके द्वारा कोई भी लिक्विड या सॉल्यूशन पास होता है। तो आज की क्लास को हम लोग यही तक एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, नई चीजों के साथ पढ़ते हैं और नई चीजों में एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं, आने वाले अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।